भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम आने वाली है भारत में, तो आइए जानते हैं डिटेल में क्या है मामला और कैसे है पॉसिबल। तो यार जैसे कि अभी आपको सबको मालूम है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट रहता है। उसके बाद में एक के बाद एक लगातार टूर्नामेंट होने वाले, IPL, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और यहाँ पे इस सीरीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस है दोनों टीमों के लिए। ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे उसके बाद में IPL होगा, उसके बाद में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और उसके बाद में सीधा वर्ल्ड कप होने वाला है। ICC का सबसे बड़े टूर्नामेंट इस साल होने वाले, एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा, उसके बाद में यहाँ पे वर्ल्ड कप की भी तैयारी चालू हो जाएगी। तो उसी वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी यहाँ पे थोड़े से मामले उठ रहे थे, और यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक डिमांड की थी कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान नहीं गई तो यहाँ पे पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे BCCI और ICC साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया था, जब सिक्योरिटी नहीं रहेगी प्लेयर्स को तो वहाँ पे प्लेयर्स नहीं जाएंगे, चाहे इंडिया के हो या फिर कौन से भी हो। तो इसलिए पाकिस्तान में वर्ल्ड कप नहीं ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे BCCI और ICC ने, और ICC ने ये साफ साफ किया था कि इंडिया में ही होगा वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल भी साफ किया था कि यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, फिर इस बार अगर ऐसा होता है इंडिया में ऑर्गेनाइज होता है तो हमें खेलना ही नहीं है वर्ल्ड कप, हम नहीं बिल्कुल भी छोड़ेंगे पाकिस्तान टीम को इंडिया में। इसके ऊपर यहाँ पे बाबर आजम का एक लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है, वहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, जिस तरह से उन्होंने बताया है उससे साफ साफ पता चलता है कि वो बिल्कुल भी टीम पाकिस्तान को लेके इंडिया में आने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैच जरूर देखने को मिलेगा, काफ़ी रोमांचक मैच होता है, और इंडिया और पाकिस्तान के जो फैंस होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे नेल बाइटिंग एक मैच होती है, काफ़ी टाइट मैच होती है यहाँ पे, और काफ़ी एक एक्साइटमेंट रहती है सभी फैंस को। तो ये मैच तो होना ही चाहिए दोस्तों, और ऐसा ही होने वाला है बिल्कुल भी। उसके ऊपर यहाँ पे बाबर आजम ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपनी टीम को लेके आ रहे हैं इंडिया में। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या कहा है एग्जैक्टली बाबर आजम ने। तो दोस्तों बाबर आजम ने ये कहा कि मुझे मेरे और रिजवान के फॉर्म काफ़ी मायने रखते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि हम अगर नहीं खेलते अच्छे से तो बिल्कुल भी टीम भी अच्छे से नहीं खेल पाएगी, मोटिवेट नहीं हो पाएगी टीम। तो इसलिए हमारा खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ ही साथ मैं हर एक प्लेयर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपना बेस्ट दे, फिर चाहे हारे या फिर जीते। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि तैयारी भी उन्होंने चालू कर दी होगी अभी तक, और ये ज़रूर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने हमें मिलेगा इस साल भी, और यहाँ पे बाबर आजम अपने टीम को लेके भारत आएंगे इस साल भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। दोस्तों यही एक मेन न्यूज़ आपको देना चाहता था। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी ऐसे अपडेट के साथ। बट उससे पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे न्यूज़ आपके मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय।